ओडिशा के पुरी तट पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रामनवमी के अवसर पर भगवान राम की रेत की मूर्ति बनाई। उन्होंने समुद्र तट पर भगवान राम की 7 फीट ऊंची और 20 फीट लंबी रेत कला बनाई। इस दौरान उन्होंने 12 टन रेत का उपयोग किया। बता दें कि सुदर्शन इससे पहले भी कई अवसरों पर अलग अलग रेत कला बनाते रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए उनकी बनाई कला भी आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। सुदर्शन पटनायक ने आगे कहा कि इससे पहले भी हमने अलग अलग मौकों पर रेत से श्री राम की कई मूर्तियां बनाई हैं। इस बार हमने एक अलग काम किया है। रामलला की रेत की बनी मूर्ति को देखने के लिए कई लोग समुद्र तट पर एकत्र हुए।